दुर्ग पुलिस ने बढ़ते अपराध और आरोपियों पर नकेल कसने पकड़े गए आरोपियों की निकाली बारात। सरेराह चौक पर आमजनों के बीच दिखाया आरोपियों का असली चेहरा। दुर्ग में पिछले दिनों गणेश विसर्जन को लेकर शिवनाथ नदी पहुंचे दो गुटों में हुई मारपीट की घटना में ग्रीन चौक निवासी राहुल साहू की मौत हो गई, जिसके बाद एक्शन में आए दुर्ग पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की और हत्या के इस मामले में 6 अपचारी समेत कुल 9 आरोपियों को हिरासत में लिया। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस के एडिशनल SP संजय ध्रुव के नेतृत्व में दुर्ग में विसर्जन के दौरान हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। वहीं दुर्ग पुलिस ने पुलगांव क्षेत्र में हत्या के मामले में 6 अपचारी समेत कुल 9 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें सभी आरोपी कैंप छावनी निवासी हैं। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने छावनी थाना क्षेत्र से आरोपियों का जुलूस निकाला और दुर्ग के पथरीपारा कुआं चौक होते शहर के मुख्य मार्ग में घुमाया। वहीं इस मामले में आरोपियों से और भी पूछताछ की जा रही है। ये जुलूस नहीं है, रिक्रिएशन ऑफ क्राइम है। हम जब भी कोई घटना घटती है तो आरोपी को घटना स्थल पर ले जाते हैं या जहां जहां वो घटना कार्य करने से पूर्व अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया है उन जगहों पर ले जाकर हम घटना स्थल को समझते हैं, मेमोरेंडम कथन पर से जब्ती आदि कार्रवाई करते हैं। वही कार्रवाई थी और साथ में हमारे साथ पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी भी संख्या में है। हम साथ में शाम को जुलूस का आज भी जो गणेश विसर्जन का जुलूस है वो चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में जहां जहां पर जाम लगती है, यहां पर अड्डेबाजी हो रहे हैं, उन जगहों को भी हम साथ में चेक कर रहे हैं। रिक्रिएशन ऑफ क्राइम है और साथ में अड्डेबाजी और जो जुलूस चल रहे हैं विसर्जन के, उन झांकियों को भी नियंत्रित करने की कवायद चल रही है। इस समय में आप गणेश विसर्जन झांकी आदि झांकी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, समितियां हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कल उनकी कंट्रोल खत्म होने के फलस्वरूप ही कल जो घटना घटी थी मर्डर वाली पुलगांव में वो हुआ। यदि समिति के सदस्यों का आपस में सामंजस्य होता या अपने लोगों पे कंट्रोल होता तो ये घटना कार्य नहीं होता। साथ में पुलिस भी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर नशाखोरी को कम करने के लिए अपील कर रहे हैं कि विसर्जन के दौरान नशा पान ना करें और नशा के कारण ही इस प्रकार घटनाएं घट रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।